तुलसी बिरवा बाग के सींचत में मुरझाएं, राम भरोसे जे रहें पर्वत पे हर्षाएं। तो चलिए शुरू करते हैं आज का प्रोग्राम। गीत है फिल्म जिंदगी और तूफान से। मैं परिचय दे रहा हूँ उस कवि का जिन्होंने कभी भारत के भूतपूर्व प्रधानमंत्री श्री राजीव गांधी और उनके भाई श्री संजय गांधी को व्यक्तिगत रूप से हिंदी भाषा सिखाई थी। हर कदम इम्तहान लेता है, हर सांस आजमाती है, मौत के होंठ चूमने वाले जा तुझे जिंदगी बुलाती है। हाय, नमस्कार और आप सबका हार्दिक अभिनंदन। आप देख रहे हैं विश्वशांति दर्शन के वीडियो, जिसके संकल्पना का श्रेय जाता है विश्वधर्मी विश्वशांति के और सामाजिक न्याय के पक्षधर प्रोफेसर डॉक्टर विश्वनाथ कराड़ जी को। गीतों के बोल बड़े अनमोल, ये एक वो सीरीज है जिसमें हम चर्चा कर रहे हैं गीतकारों की और उनके लिखे गीतों की, जिसमें छुपा है अध्यात्म। साथ ही साथ इस श्रृंखला के माध्यम से कवि और गीतकारों को विश्वशांति दर्शन की ओर से उचित सम्मान देने की एक अदना कोशिश भी है। पिछले हफ्ते हमने फिल्म गोपी के गीत हे रामचंद्र कह गए सिया से इसके अध्यात्म पर चर्चा सुनी थी। गीतकार थे राजेंद्र कृष्ण। आज के गीतकार के विषय में बताने से पहले मैं आपको उनकी एक लिखी हुई गैर फिल्मी रचना सुनाना चाहूंगा। तन बचाने चले थे, तन बचाने चले थे कि मन खो गया, एक मिट्टी के पीछे रतन खो गया। घर वही तुम वही मैं वही सब वही, घर वही तुम वही मैं वही सब वही, और सब कुछ है वातावरण खो गया। ये शहर पा लिया वो शहर पा लिया, ये शहर पा लिया वो शहर पा लिया, गांव को जो दिया वो वचन खो गया। जो हजारों चमन से महकदार था किसी से क्या कहें, वो सुमन खो गया। दोस्ती का सभी ब्याज जब खा चुके तब पता ये चला कि मूलधन ही खो गया। ये जमी तो कभी भी हमारी न थी, ये जमी तो कभी भी हमारी न थी, ये हमारा तुम्हारा गगन भी अब खो गया। हमने पढ़कर जिसे प्यार सीखा था कभी एक गलती से वो व्याकरण भी खो गया। जी हाँ, मैं परिचय दे रहा हूँ उस कवि का जिन्होंने कभी भारत के भूतपूर्व प्रधानमंत्री श्री राजीव गांधी और उनके भाई श्री संजय गांधी को व्यक्तिगत रूप से हिंदी भाषा सिखाई थी, कक्षाएं दी थी। जी हाँ, राम अवतार त्यागी, जिन्होंने वर्ष 1925 में उत्तर प्रदेश के संभल जिले के कुरकावली गाँव में जन्म लिया था। राम अवतार त्यागी की प्रारंभिक शिक्षा 10 साल की उम्र में शुरू हुई। 1941 में 16 वर्ष की उम्र में उनका विवाह हुआ। उन्होंने 1944 में अपनी हाई स्कूल की पढ़ाई पूरी की और फिर मुरादाबाद के चंदौसी डिग्री कॉलेज से ग्रेजुएशन किया और फिर पोस्ट ग्रेजुएशन दिल्ली विश्वविद्यालय से उन्होंने कंप्लीट किया। तीन किस्म के गीतकार होते हैं। जी हाँ, एक वो जो ढेर सारी फिल्मों के लिए गीत लिखते हैं मगर छाप नहीं छोड़ पाते, दूसरे वो जो खूब सारी फिल्मों के लिए खूब लिखते हैं और लोगों पर अपनी छाप भी छोड़ते हैं, और तीसरे वो जो गागर में सागर भर देते हैं, कम लिखते हैं मगर अच्छा लिखते हैं और याद रह जाते हैं। जिस तरह चंद्र शर्मा गुलेरी की एक कहानी, उसने कहा था, उन्होंने अमर कर दिया था, उस कहानी के थ्रू वो अमर हो गए थे। ठीक उसी प्रकार राम अवतार त्यागी ने 1975 में बनी एक फिल्म हिंदी फिल्म जिंदगी और तूफान में अपनी कलम का जादू दिखा दिया। गीत के बोल थे, एक हसरत थी कि आंचल का मुझे प्यार मिले, मैंने मंजिल को तलाशा मुझे बाजार मिले। तो आज उनके लिखे इसी गीत में ढूंढेंगे छिपा हुआ अध्यात्म। हर बार की तरह चर्चा में भाग लेंगे डॉक्टर सुनील देवधर और मानसी काटदरे। आप देख रहे हैं गीतों के बोल बड़े अनमोल। प्रणाम, नमस्कार, स्वागत है आपका विश्व शांति दर्शन चैनल पर। आप देख रहे हैं प्रोग्राम गीतों के बोल बड़े अनमोल, जिसमें हम गीत और गीतकार पर बात करेंगे। हमारे साथ आज जुड़े हुए हैं डॉक्टर सुनील देवधर जी, जो हमारा मार्गदर्शन करने जा रहे हैं इन गीतों के पीछे छुपे हुए अध्यात्म पर। स्वागत है आपका सुनील जी। जी नमस्कार। तो चलिए शुरू करते हैं आज का प्रोग्राम। गीत है फिल्म जिंदगी और तूफान से। आइए सुनते हैं ये गीत। एक हसरत थी के आंचल का मुझे प्यार मिले, एक हसरत थी के आंचल का मुझे प्यार मिले, मैंने मंजिल को तलाशा मुझे बाजार मिले। जिंदगी और बता तेरा इरादा क्या है, एक हसरत थी के आंचल का मुझे प्यार मिले, मैंने मंजिल को तलाशा मुझे बाजार मिले।
सुनील जी, कभी कभी ऐसा क्यों होता है कि हम कुछ भी करें, जितना भी कोशिश करें, बनी हुई चीज़ बिगड़ जाती है जी। सुख से ज़्यादा ऐसे लगता है कि ज़िंदगी हमारा इम्तिहान ले रही है, लेकिन ये सभी के ज़िंदगी में ऐसा नहीं होता। तो क्या हमारी तकदीर हम पहले से ही लेकर आते हैं? बहुत अच्छा प्रश्न है और प्रश्न के दोनों तरह से उत्तर हैं जी। क्योंकि आप ये देखें कि तकदीर हमारे हाथ में है भी और नहीं भी है, क्योंकि वो कहते हैं ना कि हर कदम इम्तहान लेता है, हर कदम इम्तहान लेता है, हर सांस आजमाती है, मौत के होंठ चूमने वाले जा तुझे जिंदगी बुलाती है। बहुत खूब। तो जब ये हौसला आपके पास में होता है तब बात कुछ और होती है। लेकिन जब ये है कि कई बार परिस्थितियां ऐसी होती हैं कि आप कुछ भी प्रयत्न करिए कि आपने देखा होगा कि एक साधा उदाहरण देख लीजिए कि साइकिल रेस में दो लोग साथ चल रहे हैं, एक ने उतनी ही दूरी कम समय में पार कर ली क्योंकि उस समय हवा का रुख उसके विपरीत नहीं था, दूसरे ने वही दूरी और देर से पार की क्योंकि तब अपोजिट सामने से हवा चल रही थी तो उसको ज़्यादा मेहनत करनी पड़ रही थी और देर लग रही थी पहुंचने में। तो यहाँ आप कुछ नहीं कर सकते, यहाँ आपकी वो किस्मत वाली बात या भाग्य वाली बात है। लेकिन जब तक परिस्थिति की जब बात है तो कहीं ना कहीं आपके प्रयत्न से परिस्थिति बदल सकती है। धन्यवाद सुनील जी। आइए सुनते हैं इस गीत के आगे की पंक्तियाँ। मुझको पैदा किया संसार में दो लाशों ने, मुझको पैदा किया संसार में दो लाशों ने, और बर्बाद किया कौम के अय्याशों ने, तेरे दामन में बता मौत से ज्यादा क्या है जिंदगी, और बता जिंदगी, और बता तेरा इरादा क्या है। एक हसरत थी के आंचल का मुझे प्यार मिले, मैंने मंजिल को तलाशा मुझे बाजार मिले। सुनील जी, ये जो अभी स्टैंजा हमने सुना, मुझे पैदा किया संसार में दो लाशों ने और बर्बाद किया कौम के अय्याशों ने, ये इसका मतलब नहीं समझे जी। अक्सर इसमें ये माना जाता है कि पति पत्नी के संयोग से संतान जन्म लेती है जी। लेकिन यहाँ खलील जिब्रान की अगर अब बात सोचें तो खलील जिब्रान ने यह कहा है कि जीव के जन्म लेने की इच्छा का परिणाम है कि वो आता है। क्योंकि कई बार जैसे आप साधारण इस बात से समझ लीजिए कि आप बहुत से बीज पृथ्वी पर डालते हैं जब आप बुआई करते हैं जी। लेकिन सभी बीज पैदा नहीं होते, उनमें से कुछ अंकुरित होते हैं और कुछ मर जाते हैं। तो यही बात है कि जीव के जन्म लेने की इच्छा जब होगी तभी वो संतान पैदा होगी। और अगली जो बात है कि मुझको पैदा किया दो लाशों ने और बर्बाद किया कौम के अय्याशों ने, यानी यहाँ एक सीधा तंज ये है कि कौम क्या है, राष्ट्र। हाँ जी। और राष्ट्र में जो लोग राज्य कर रहे हैं उनकी अपनी राजनीति होती है, अपनी सियासत होती है, तो उनको बहुत ज़्यादा परवाह होती नहीं है। आज हमारे देश में भी परिस्थिति आप देख लो कि कितनी बेरोजगारी है, कितनी समस्याएं हैं, तो ये कहना उस बच्चे का बेहद सटीक लगता है कि मुझको बर्बाद किया कौम के अय्याशों ने, क्योंकि जिन्हें अपनी सत्ता में रहना है वे किसी भी तरह से वो सियासत करके वो राजनीति करके उन्हें पब्लिक की या जनता की उस तरह की चिंता होती नहीं है। ये बिल्कुल सच है, राजा की एक ही नीति है राज। आपने कौम के अय्याशों के बारे में तो बता ही दिया और वो आज की भी परिस्थिति में बिल्कुल उचित है जी। लेकिन लाशों के बारे में आपका क्या राय है? मुझको पैदा किया संसार में दो लाशों ने, तो लाशों ने वो इसीलिए कह रहे हैं कि जिन्हें हम ये मान रहे हैं कि हमने पैदा किया तो वो तो मृतवत हैं। पैदा तो स्वयं बीज की इच्छा है कि वो पैदा होगा, जन्म लेने की इच्छा है कि वो पैदा होगा। अब यहाँ वो तुलसी की बात जोड़नी पड़ेगी कि तुलसी भरोसे राम के,
जो राम के भरोसे पर है वो किस तरह से जन्म लेता है और किस तरह से आगे बढ़ता है, उसकी वो चौपाई है कि तुलसी बिरवा बाग के सींचत में मुरझाएं, राम भरोसे जे रहें पर्वत पे हर्षाएं। यानी सींचने के बाद भी मर सकता है बीज, लेकिन जो राम का भरोसा है यानी जीव के जन्म लेने की जिसकी इच्छा है वो पर्वत पर भी सूखे में भी हरा हो सकता है। बहुत सुंदर। आइए सुनते हैं इस गीत की अगली पंक्तियां। आदमी चाहे तो तकदीर बदल सकता है, आदमी चाहे तो तकदीर बदल सकता है, पूरी दुनिया की वो तस्वीर बदल सकता है, आदमी सोच तो ले उसका इरादा क्या है, आदमी सोच तो ले उसका इरादा क्या है। सुनील जी, आपने जो पहले उदाहरण दिया था साइकिल के रेस का वो मुझे बहुत सही लगा, लेकिन अभी की पंक्तियाँ सुनकर ऐसे लगता है कि हम कभी शायद अपनी तकदीर बदल नहीं सकते, जो हाथों की रेखाएं हैं वही लेकर आते हैं, तो इनमें से सही कौन सा है? दोनों बातें सही है, क्योंकि जब साइकिल का उदाहरण हमने दिया हाँ जी, तो वहाँ आपकी डेस्टिनी, आपका भाग्य, आपका नसीब है, लेकिन यहाँ ये कह रहे हैं कि आदमी चाहे तो तकदीर बदल सकता है जी, तो उसके हाथ में है अपने भाग्य को बदलने की भी बात, अपनी तकदीर को बदलने की बात जी। वो भी हम थोड़ा सा उस पर भी विचार करें, इन शब्दों पर भी, क्योंकि कितने शब्द होते हैं, भाग्य, नसीब, किस्मत, तकदीर और प्रयत्न जी। कुछ भी आप कहें, तो संस्कृत के दो श्लोक हैं और दोनों अलग अलग ढंग से बात कह रहे हैं। एक कहता है कि भाग्यम फलति सर्वत्रम नच विद्या नच पौरुषम, कि सबसे प्रबल है भाग्य। दूसरा श्लोक तुरंत कहता है उद्योगिनम पुरुष सिंहम उपैति लक्ष्मी देवेन देय इति का पुरुषा वदन्ति, ईश्वर नहीं दे रहा है ये का पुरुष का, अकर्मण्य व्यक्ति का काम है, तो बदल सकती है, तदबीर से बिगड़ी हुई तकदीर बना ले जी। तो अपनी तकदीर को अपनी तदबीर से बदला जा सकता है। और साहिर लुधियानवी ने एक गीत में ये कहा है ना कि तुम न समझो तुम्हारा मुकद्दर हूँ मैं समझता हूँ तुम मेरी तकदीर हो। तो जब दोनों शब्द इस्तेमाल किए हैं साहिर ने, इसका मतलब है कि कहीं ना कहीं तकदीर और मुकद्दर में फर्क है। मुकद्दर भाग्य है, नसीब है जी। लेकिन तकदीर जो है वो आपकी तदबीर से बदल सकती है, वो आपके हाथ में है। धन्यवाद सुनील जी। जी धन्यवाद। तो देखा आपने कैसे आकाश में सुराख नहीं हो सकता, एक पत्थर तो तबियत से उछाल के देखो यारो। इन्हीं पंक्तियों के साथ हम यहाँ लेते हैं एक अल्प विराम। देखते रहिए विश्व शांति दर्शन चैनल। धन्यवाद। वेलकम बैक। आप देख रहे हैं गीतों के बोल बड़े अनमोल, और आज के गीतकार हैं राम अवतार त्यागी। त्यागी एक ऐसे कवि थे जिन्होंने हिंदी गीत को एक नया मुकाम दिया। उनके गीतों के विषय में बाल स्वरूप राही जी का कहना है कि त्यागी जी की बदनसीबी यह है कि दर्द उनके साथ लगा रहा, मगर उनकी खुशनसीबी यह है कि दर्द को गीत बनाने की कला में वे माहिर हैं। अपनी कलम को जितनी शिद्दत से उन्होंने लिया है वो स्वयं में एक मिसाल है। आधुनिक गीत साहित्य का इतिहास उनके गीतों की विस्तार पूर्वक चर्चा के बिना लिखा ही नहीं जा सकता है। एक अन्य कवि श्री रामधारी सिंह दिनकर जी ने उनकी कविताओं पर टिप्पणी करते हुए कहा था, त्यागी ने गीत लिखे हैं जो प्रमाणित करते हैं कि उनके गीतों में नई भाषा, नई कहावतें, नई मुद्रा और नई दृष्टि है। मुझे त्यागी का काम बहुत पसंद है। उनके गीतों में रोना, हंसना, चिढ़ना, बिदकना और एक अदा है जो मन मोह लेती है। त्यागी ने 15 से अधिक हिंदी काव्य पुस्तकें प्रकाशित की हैं और कुछ उपन्यास भी उनके श्रेय में हैं। नया खून, मैं दिल्ली हूं, आठवां स्वर, गीत सप्तक, 21 गीत, गुलाब और बबूल वन, राष्ट्रीय एकता की कहानी और महाकवि कालिदास रचित मेघदूत का काव्यानुवाद जैसे अनेक काव्य संकलों के साथ ही साथ समाधान नामक उपन्यास, चरित्रहीन के पत्र, दिल्ली जो एक शहर था
और रामझरोका जैसी गद्य रचनाएं भी उनके रचना क्रम में शामिल हैं। उन्होंने अनेक महत्वपूर्ण पत्र पत्रिकाओं का जीवन भर संपादन किया। टाइम्स ग्रुप के अखबार नव भारत टाइम्स के साथ उन्होंने काम किया था। जी हाँ, वे मलुकदास की कलम से एक साप्ताहिक लेख लिखा करते थे जो कि एक पॉलिटिकल सटायर था। उनके कविताएं भारत में CBSE पाठ्यक्रम की 9वीं से 12वीं कक्षा की NCERT हिंदी पाठ पुस्तकों में पढ़ाई जाती हैं। 8वीं कक्षा में उनकी कविता समर्पण UP बेसिक शिक्षा लखनऊ में एक हिंदी पाठ्य पुस्तक का हिस्सा भी है। हिंदी फिल्म जिंदगी और तूफान में मुकेश द्वारा उन्होंने गीत गाया था कि जिंदगी और बता तेरा इरादा क्या है, बहुत लोकप्रिय हुआ था। 12 अप्रैल 1985 को राम अवतार त्यागी अपने गीतों को हमारे बीच छोड़कर हमसे विदा ले गए। उनके गीत आज भी संवेदी समाज के बेहद एकाकी पलों के साथी हैं। सुनील जी, हमारे यहाँ तो बहुत से भगवान हैं, लेकिन सिर्फ विद्या का डिपार्टमेंट सरस्वती जी को क्यों दिया जाता है? विद्वान और राजा में कभी तुलना नहीं हो सकती। विद्वत्त्वं च नृपत्वं च नैव तुल्यं कदाचन स्वदेशे पूज्यते राजा विद्वान सर्वत्र पूज्यते। हमारा आज का गीत है फिल्म आलाप से, जिसके गीतकार हैं डॉक्टर राही मासूम रजा। हमारे अंदर भी शिक्षा के भी दो स्तर हैं ना, एक तो वो शिक्षा जो हम स्कूलों कॉलेजों में पढ़ते हैं और एक वो शिक्षा है जो हमें परंपरा से प्राप्त होती है। उम्मीद है राम अवतार त्यागी की ये लघु जीवन गाथा आपको पसंद आई होगी और इसी के साथ आपसे लेते हैं विदा। अगली बार तलाश करेंगे फिल्म अलाप के गीत में माँ सरस्वती शारदे में छिपा हुए अध्यात्म को। गीतकार हैं राही मासूम रजा। सब्सक्राइब कीजिए, साझा कीजिए और देखते रहिए विश्व शांति दर्शन।